बन चुका है, पूरा तैयार है एलिवेशन। अब ये है आपका प्लान। इस प्लान के अंदर जो डिटेल्स हैं वो हम जो थोड़ी सी आज कर लेते हैं डिस्कस उस पर। तो आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है ये, इसके ऊपर डिस्कस ये करते हैं कि इसको करते हैं पहले लेयर्स को ऑफ कर देते हैं, ये वाली लेयर को, यानी प्रोजेक्शन की जो लेयर है, छत की जो लेयर है, ये ऑफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है एरिया वगैरह लेना होता है हमें, जिससे दिखाना होता है। तो यहाँ पे हैचिंग भी दिखानी है टाइल्स वगैरह की, अगर इनकेस कहीं दिखाना होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि वर्किंग ड्राइंग में दिखाना पड़ती हैं बाज़ चीज़ें। तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, विंडोज़ डोर्स की भी पर क्लोज कर देता हूँ मैं, और जो है यहाँ पे सिर्फ हैचिंग का काम है। ये थ्रेशोल्ड बन जाएगा इसका, अब सिर्फ इस कमरे की हैचिंग दिखानी है, और हैचिंग में आपको टाइल्स दिखाने। देखें, टाइल दिखाने के दो तीन तरीके होते हैं। तो एक तो मैनुअली आपको टाइल डिज़ाइन करना है, क्योंकि आपका टाइल का जो कमरा है आपको उसमें किस साइज़ का टाइल लगाना है, तो वो अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है उस साइज़ में तो आपको तो मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कोई अपने ही बनाना चाह रहे हैं तो फिर ऑर्डर पे कटिंग होगी, मार्बल वगैरह जो भी है। लेकिन हमारे पास जो है फिक्स साइज़ होते हैं, उसके मुताबिक ही हम काम कर रहे होते हैं। तो ये 2x2 अगर देख रहे हैं 24x24 है, तो इस तरह भी टाइल आप बना सकते हैं इसके ऑफसेट एम करेंगे तो मल्टी ऑफसेट हो जाएगा। ये कितने टाइल लग गए आपके भैया पे, 1 2 3 4 5 इस रो में लग रहे हैं, और ये ऑफसेट कर देंगे 10। सही है, ये आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं इसके अंदर से टाइल्स की, कि कितने टाइल मेरे इस रूम में आ रहे हैं 10x10 के, 24x24 के टाइल 10x10 रूम में कितने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा 5 10 15 20 25 25 टाइल आपको इसके लिए दरकार है। अब ये तो क्वांटिटी आपने आसानी से पता कर ली। बाज़ औक़ात बड़ा एरिया होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें हैचिंग करते हैं हैचिंग से लिस्ट में जाएंगे लिस्ट में आपके पास यहाँ स्क्वायर फिट आ गया, ये लिखा हुआ स्क्वायर फिट एरिया कि ये 100 स्क्वायर फिट वगैरह है। सही है, ये हैचिंग से निकालने का तरीका है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि देखते हैं चारों ब्लॉक बने हुए हैं, ये अब आप करेंगे रेक्टेंगल, और ये ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, और इसी को सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट करेंगे, फिर से आप एरिया देखेंगे, यहाँ पे आपके पास वही एरिया आ गया। दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका क्या है, पीएल पॉलीलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक किया, एक यहाँ किया दूसरा यहाँ, और क्लोज कर देंगे, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, और ये आपके पास आ गया एरिया। इस तरह इसका एरिया आप निकाल सकते हैं बड़े से बड़े जगह का। अब ये देखें बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब अजीब वो गरीब एरिया ना, कुछ आधा हिस्सा यहाँ आ रहा है और ये पूरा है, फिर ये टेरेस भी आ रहा है इसके अंदर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पॉली लाइन से पी आर, क्योंकि इधर रेक्टेंगल में कहाँ तक बनाऊँगा, यहाँ से अगर रेक्टेंगल बनाना शुरू करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए हम पॉली लाइन को लेंगे। पॉली लाइन का कहीं पर भी पॉइंट स्टार्ट ले लेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी सीध में जब आ जाए इसको क्लोज कर देंगे आप। हम इस वाले एरिया को बाद में निकालेंगे, अभी हमारे पास ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लिस्ट करेंगे, हमारे पास ये एरिया आ गया स्क्वायर फिट में आ रहा है। सही है, ये एरिया आपके पास मौजूद है। अब आपको इसी तरह इसका भी निकालना है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगर आप थ्रेशोल्ड पे शुमार कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ये टच करेंगे लिस्ट लेंगे और ये यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा 33 स्क्वायर फिट। इजी है एरिया निकालने का तरीका। एलिवेशन आपने इस तरह दिखाना है। सेक्शन में क्या है, सेक्शन भी अभी आज ही समझ लेते हैं। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एलिवेशन इसकी सीध में है। एलिवेशन में क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब
इस लाइन के सामने इसके आगे जो भी आइटम मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ देखें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा है, तो हमें वही स्क्रीन में ले रहा हूँ, सॉरी प्रोजेक्शन तो बना रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी ना, मैं उसको एलिवेशन में सॉरी सेक्शन में दिखाऊंगा। अब मेरे पास है ही छोटा एरिया, तो मैं इसमें क्या सेक्शन ड्रॉ करूँ इसका, तो हम जो है सेक्शन किस तरह ड्रॉ करेंगे इसका, ताकि डिटेल कुछ पता चले। तो इसको मैं मूव करके यहाँ ले जाता हूँ, इसको रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ से मुझे सेक्शन काटना है, तो मैं सेक्शन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रफली, कोई सी भी, या इसके पीछे करना चाहें, इधर से करना चाहें, या इधर से करना चाहें, जहाँ पे आपका समझना है आपको सेक्शन दिखाना है। तो सेक्शन दिखाने के लिए हमें ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे हम एक रफली से मैं एरो बना देता हूँ, या प्रॉपर तरीके से आप लोग वर्किंग कर लीजिएगा इसके ऊपर, और इसको मैच भी कर देता हूँ। इसके सेंटर पॉइंट जो है सेंटर से लेकर इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ से सारा प्रोसीजर वही रहेगा हमारा, कौन सा एलिवेशन वाला, ये मेरी आ गई रोड लेवल आ गया, फिर वही 1.5 फीट की मेरी लेंथ आ गई, लेंथ के बाद 3 फीट की सिल हाइट आ गई, सिल हाइट के बाद जो है मेरा 4 फीट की विंडो आ गई, फिर 3 फीट की मेरी बीम वगैरह जो भी है मेरे 3 फीट के बाद शुरू हो जाएंगे, 4 फीट के बाद 6 इंच की मेरी स्लैब आ गई। अब इसमें जो है सेक्शन काटना है, तो सेक्शन के इस तरफ जो भी कुछ होगा उसको आप नहीं दिखाएंगे, सेक्शन लाइन के उस तरफ जो भी कुछ होगा उसको आप दिखाएंगे, मेंशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सेल वर्टिकल। ये दोनों लाइनें आप दिखाएंगे वॉल्स की, सही है, दोनों लाइनें हो गई, और इन दोनों लाइनों को आप कैसे यहाँ तक ट्रिम कर देंगे, इसकी आप यहाँ तक ट्रिम करेंगे इन दोनों लाइनों को, सही है। रीज़न बताऊंगा मैं बाद में। और इसी तरह फिर हमारे पास ये दरवाज़ा है, ये खिड़कियाँ हैं, ये दरवाजे हैं दोनों। अभी इन दरवाज़ों को कैसे शो कराएंगे, ये वाला दरवाज़ा और ये वाला शो होगा, क्योंकि यहाँ दो दो खिड़कियाँ मौजूद हैं, तो ये दरवाजे शो नहीं होंगे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरी खिड़की है, इस लाइन को यहाँ ड्रो, इसको यहाँ पे कर दिया मैंने, मेरी हाइट तो वही है 4 फीट की, देखें खिड़की हाइट आ रही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि मेरी विंडोज है। ये वाली वॉल आ रही है मेरी, तो अब इस वॉल को शो करा दूंगा मैं यहाँ से कि ये मेरी वॉल है, और वॉल यहाँ तक ट्रिम हो जाएगी। एक चीज क्लियर, अब ये दरवाजा आ रहा है, तो इस दरवाजे को भी मेंशन करना है मुझे कि ये दरवाजा है, ये लाइन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 7 फीट का एक दो और दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक 6 फिलेट हो रहा है, फिलेट आर रेडियस 0 कर देना है इसको, ताकि रेडियस से खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक ट्रिम कर दें इसको, यहाँ तक ट्रिम हो जाएगी, ये डोर हो गया। अब ये बाथरूम का डोर है, यहाँ से इसको ले लें, इसको यहाँ से करें 7 फिट, ये रेफरेंस लाइन मौजूद है मेरे पास 7 फिट की, और ये फिलेट ट्रिम हो जाएंगी, यहाँ दोनों डोर हो गए। ये वॉल आप दिखा चुके हैं यहाँ पे, ये अब बीम दिखाना होता है इसके अंदर असल में ना, बीम हो गया, फाउंडेशन हो गई मेरी, अगर फाउंडेशन जो भी फाउंडेशन होगी मैं उसको जहाँ जहाँ मेरे पिलर आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे उसकी फाउंडेशन शो कराऊंगा। मैं यहाँ पे तो मेरे पास पिलर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी है, मैं इस वाली लाइन को ऊपर तक ले जाता हूँ, ये मेरी वॉल है, ये मेरी फाउंडेशन तक जा रही है, ये जिस तरह मेरी वॉल है ये मेरी फाउंडेशन तक जा रही है, सॉरी इसकी इनर ऐसी रहेगी आउटर जाएगी। तो
क्या करूँगा मैं यहाँ से एक